तो पहले हम बैटरी दिखा देते हैं। एक्साइड का 16 ट्यूबुलर बैटरी है, 6 एलएमएस, 100 एज का, 36 मंथ वारंटी इसके साथ दिया गया है। दोस्तों सोलर पैनल का सिंबल अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि बैटरी के पीछे एक सोलर पैनल का सिंबल है, जो कि है ये जो बैटरी है सोलर पैनल से चार्ज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलर पैनल से ही चार्ज होता है, ये जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होता है। तो नेक्स्ट हम आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे लुमिनस का जो इन्वर्टर है, ये हम यूज कर रहे हैं इको वाट न्यू 800 वाला लुमिनस का जो इन्वर्टर है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव वायर जो है जिसमें हम जो है बैटरी को कनेक्शन करते है। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर का पॉजिटिव निगेटिव वायर को हम पहले यहाँ पे बैटरी में कनेक्शन करेंगे पॉजिटिव निगेटिव को, उसके बाद फिर दो वायर लेंगे बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके वो पॉजिटिव निगेटिव को हम यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर में, आप लोग देख लीजिए सोलर चार्ज कंट्रोलर में यहाँ पे बैटरी का सिंबल दिया गया है। दोस्तों बैटरी का जो पॉजिटिव निगेटिव वायर है इसको पॉजिटिव और निगेटिव में अच्छी तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बैटरी का सिंबल लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सोलर पैनल का जो पॉजिटिव निगेटिव वायर है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद सोलर पैनल का सिंबल आ जाएगा। तो दिन में अगर करेंगे तो सोलर पैनल का सिंबल लिखा जाएगा, अगर रात में करेंगे तो यहाँ पे सोलर पैनल का सिंबल नहीं दिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है बैटरी को ओवर चार्ज करने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, सोलर पैनल तो बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप लोग जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।